माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि यूरिन जो हमारी है उसका क्या कंपोजिशन है, वो किससे मिलकर बनी हुई है। और हम लोग का आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा स्टूडेंट्स कि क्या एक नॉर्मल पर्सन का जो यूरिन आउटपुट होता है वो पर डे या हर दिन इक्वल होता है यूरिन का आउटपुट, और अगर इक्वल नहीं होता है तो क्यों नहीं इक्वल होता है, और उसके क्या फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करेगा या नहीं डिपेंड करेगा यूरिन आउटपुट इज इक्वल इन ऑल डेज। तो इसका आंसर होगा नो। हर एक पर्सन का एक जो नॉर्मल यूरिन आउटपुट है वो डे टू डे डिफर करता है स्टूडेंट्स। और मैं आपको बता दूं ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे कि कितना उस पर्सन ने फ्लूड इनटेक करा, कितनी लिक्विड की चीजें उसने इनटेक करी अपने डाइट में। फ्लूड इनटेक पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं। दूसरा, किस टाइप का वो फूड खा रहा है। टाइप ऑफ फूड अगर वो लिक्विड में ज्यादा ले रहा है तो उसका यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, टाइप ऑफ फूड कंज्यूम। और अगर एक्सेसिव इनटेक ऑफ फ्लूड्स हो रहे हैं, अगर आप बहुत जूसी टाइप की चीजें ले रहे हैं अपनी डाइट में, तो आपका यूरिन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। दूसरी बात हम लोग करते हैं फिजिकल एक्टिविटी। ये जो फिजिकल एक्टिविटी है, जितनी ज्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतनी ज्यादा स्वेटिंग होगी आपकी बॉडी में, और जैसे जैसे स्वेटिंग ज्यादा होगी यूरिन का आउटपुट स्टूडेंट्स कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मुझे लग रहा है कि आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। जो फिजिकल एक्टिविटी है उससे डायरेक्ट रिलेशन है स्वेटिंग का, और अगर स्वेटिंग बढ़ रही है तो जो यूरिन का आउटपुट है वो घट जाएगा। यूरिन आउटपुट को मैंने यूओ लिख दिया है, ये घट जाएगा। टेम्परेचर पे भी चीजें डिपेंड करेंगी, अगर टेम्परेचर कम है तो यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा क्योंकि वहां पे स्वेटिंग कम होगी। मींस आप ऐसा कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो स्वेटिंग है और जो यूरिन का आउटपुट है ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दे बोथ आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर हम लोग बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है या बहुत ज्यादा हैवी वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो यूरिन का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे। अगली बात स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो एक नॉर्मल एवरेज आउटपुट होता है यूरिन का एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में, एक नॉर्मल पर्सन में, तो वो लगभग होता है 1 से लेकर 1.8 लीटर, 2 लीटर तक भी आप कह सकते हैं 24 घंटे में, इन 24 आवर्स, पूरे 24 आवर्स में 1 से 2 लीटर तक यूरिन का आउटपुट होगा। अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं कि क्या इसके कंपोनेंट्स है, क्या कंपोजिशन है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि यूरिन का जो चीफ कंपोनेंट है वो होता है यूरिया। यूरिन में सबसे ज्यादा कौन सा अमाउंट प्रेजेंट होगा, यूरिया का, जो कि एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ नाइट्रोजनस वेस्ट का क्या काम होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ये, नाइट्रोजनस वेस्ट है। और कुछ अदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी हमारे यूरिन से एक्सक्रीट होते हैं, जैसे कि अमोनिया। अमोनिया काफी टॉक्सिक होती है इसीलिए इसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, और ये यूरिया साइकिल स्टूडेंट्स कहाँ पे चलती है, लिवर में। डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है अमोनिया को यूरिया में। कुछ यूरिक एसिड का अमाउंट भी हमारे यूरिन में प्रेजेंट होगा, क्रेटिनिन भी होगा, और एक एसिड होता है जिसका नाम आपने बहुत ही कम सुना होगा, हिप्यूरिक एसिड। हिप्यूरिक एसिड का कंपोनेंट भी यूरिन में प्रेजेंट होता है, और कुछ यहाँ पे साल्ट्स भी होते हैं। कभी यूरिन का जो बेसिक साल्ट होगा वो सोडियम क्लोराइड होगा, और कुछ मिनरल आयन भी होते हैं जैसे सल्फेट SO4-, क्लोराइड प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं PO4-, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल आयन इनमें प्रेजेंट होंगे। और कुछ नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट है जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड, विटामिन सी भी प्रेजेंट होगा यूरिन में, अल्कोहल, फिनोलिक सब्सटेंसेस, कुछ ये नॉन नाइट्रोजनस कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं। अगली बात अगर मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊं यहाँ पर, तो आपको ये जानना होगा कि जो यूरिन में ग्लूकोज और जो प्रोटीन का कंपोनेंट है वो नॉर्मली एब्सेंट होता है। ग्लूकोज प्लस प्रोटीन नॉर्मली दे आर एब्सेंट, बट समटाइम प्रेजेंट इन स्मॉल ट्रेसेस। लेकिन एक डायबिटीज मेलाइटस नाम की जो डिजीज होती है, मैंने आपको डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में अपने लास्ट लेक्चर में ADH हार्मोन को जब बताया था तब मैंने आपको ये पॉइंट बताया। तो डायबिटीज मेलाइटस में क्या होगा कि कुछ प्रेजेंट स्मॉल ट्रेसेस में यूरिन में ग्लूकोज और प्रोटीन्स पास होने लगते हैं, डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन है। और कभी कभी समटाइम्स किडनी फेलियर में भी ऐसा हो जाता।
तो मैं आपको स्टूडेंट्स ये भी बता दूं कि यूरिन में नॉर्मल जो पर्सन होता है उसके यूरिन में नॉर्मल आरबीसी एब्सेंट होते हैं, आरबीसी आर नॉट प्रेजेंट इन नॉर्मल पर्सन, यूरिन ऑफ नॉर्मल पर्सन आप यहाँ लिख सकते हैं, बट दे हैव ल्यूकोसाइट, लेकिन यूरिन में ल्यूकोसाइट्स होते हैं जिनको कि हम लोगों ने क्या बोला हुआ था, मैंने ब्लड सेल्स आपको पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है आरबीसी डब्ल्यूबीसी में तो आप हमारे वाले वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, डब्ल्यूबीसी जब मैंने आपको ब्लड सेल्स के बारे में बताया था, तो आपको मैं नॉर्मल बताना चाहूंगी कि जो नॉर्मल यूरिन होती है एक नॉर्मल पर्सन की उसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होगा, बट दे हैव ल्यूकोसाइट मींस डब्ल्यूबीसी आर प्रेजेंट एंड सम नॉन स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। अगर हम लोग कलर की बात करें स्टूडेंट्स, यूरिन का कलर कैसा होता है, तो यूरिन का कलर जो होता है वो पेल येलो होता है, यूरिन का कलर होता है पेल येलो, और पेल येलो क्यों होता है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, आप इस पॉइंट को थोड़ा मेमोराइज करेंगे कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट विच इज कॉल्ड यूरोक्रोम, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से ही यूरिन का कलर पेल येलो होता है। यहाँ से आपको वन मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकता है कि यूरिन का कलर येलो क्यों होता है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 1.003 से 1.040 तक होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, टोनिसिटी की बात करें तो एक हाइपरटोनिक होता है नेचर में, और पीएच की अगर बात करें स्टूडेंट्स इसके पीएच की, तो पीएच इसका स्लाइटली एसिडिक है और लगभग एवरेज में 6 होता है, आपको पता है अगर 6 से कम हो जाएगा तो हाईली एसिडिक हो जाएगा, और अगर 7 मतलब 7 से कम है तो एसिडिक है और 7 से ज्यादा तो अल्कलाइन, एंड इट कैन रेंज फ्रॉम, इसका जो पीएच है वो रेंज करता है 4.5 से 8.2 तक इसका रेंज है ये, और जो इसकी स्मेल है काफी फेंट होती है बट स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ अमोनिया, अमोनिया का स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग पंजेंट होता है जब इसको एयर से कॉन्टेक्ट हो जाता है अमोनिया का, दिस इज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ यूरिन अमोनिया बाई बैक्टीरिया, ये जो पंजेंट स्मेल होती है वो यूरिन की जो अमोनिया है उसको बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं और उसको काफी पंजेंट स्मेलिंग बना देते हैं। तो सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज, सो कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज, इट विल श्योरली हेल्प यू फॉर योर स्टडीज एंड डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, सो माई नेक्स्ट वीडियो will be on some kidney disorder, so stay tuned to my channel, thank you students for continuous support, bye bye, I hope we will meet soon, thank you.